भीष्म पंचक व्रत या विष्णु पंचक व्रत क्या है? आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो अवश्य आप इसको जानें। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूनम तक यानी 5 दिन तक ये होने वाले व्रत को विष्णु पंचक व्रत अथवा भीष्म पंचक व्रत भी कहते हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसके करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। बहुत से साधक पूरे कार्तिक महीने का व्रत करते हैं और ये 5 दिन तो अवश्य करते हैं। कुछ लोग कार्तिक पूरे महीने का जो व्यक्ति व्रत नहीं कर पाते हैं वह नियम पूर्वक केवल 5 दिन का व्रत करते हैं तो भी उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। आइए जरा इसको श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन है, शेष पंच दिनस्यापि कार्तिकस्यानुकंपया, 5 दिन के व्रत करने से उनको समस्त प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण है कि त्रेता युगे शूद्रो दस्यु वृत्ति परायण नामना दंड करो नित्यम धर्म निंदाम करो तिया। पूर्व में त्रेता युग की बात है, एक दंडकर नाम का व्यक्ति था जो धर्म की निंदा करता, वेद बाह्य बातें करता था और ब्रह्मस्वहारी ब्राह्मण का धन लूटना, परस्त्रीगामी असत्यभाषी, मित्र के साथ जो है छल करना आदि आदि वैश्यावृत्ति आदि समस्त प्रकार के पाप को करने लगा। तो एक दिन उनके ज्ञाति बंधु बांधव उनके घर पर आए और बड़ा जोर से उनको डांट लगाई कि भाई तुमने बड़ा गलत काम किया है, या प्रतिष्ठा अर्जिता पूर्वय रस्मा कम निर्मलन्वय रे मूढ़ दुराचार विनाशम प्रतिनियते। जो हमारे पूर्वजों ने प्रतिष्ठा अर्जित की थी तुम उसे मिट्टी में मिला रहे हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उसको सबने अपने ज्ञाति बांधवों से बाहर बहिष्कृत कर दिया, वह वहाँ से चला गया, जंगल में रहने लगा। लेकिन जंगल में उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला। एक दिन वह भूख से तड़पता तड़पता किसी नगर में गया और नगर के बाहर ही देखा एक उद्यान में सब लोग, कुछ लोग आंवला वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ भोजन बना रहे थे। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को लोग आंवला का पूजन करते हैं और उसके नीचे बैठकर भोजन बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं और खुद भी वहीं बैठकर पाते हैं। तो वहीं जाकर इसने हाथ फैलाया कि मुझे खाने को दो, लेकिन इसका रूप स्वरूप बड़ा भयंकर था। सब ने पूछा कि तुम क्यों खाना चाहते हो, तुम कौन हो, परिचय दो। तो इसने बताया कि क्षुधार्तो हम द्विजश्रेष्ठा प्राणा यास्यन्ति मे ध्रुवम मेदध्वम खादितुम किंचित युष्मास्तु शरणम गतः। हम तुम आप सबकी शरण में हैं, मैं भूखा हूँ, बहुत भयंकर भूख लगी है, प्राण निकल जाएंगे यदि आप लोग नहीं देंगे, हम आपकी शरण में हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है और बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत पाप किया हूँ, सब प्रकार के पाप किया हूँ, मुझे बांधवों ने निकाल दिया है और मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा उद्धार कैसा होगा, कैसे होगा, आप यदि कुछ जानते हैं तो आप लोग मुझे बताएं। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया कि आप कार्तिक में विष्णु पंचक व्रत को करिए, आपका उद्धार अवश्य होगा। तो भोजन के बाद उस दंडक व्यक्ति ने, जो इसका नाम था दंडकर व्यक्ति ने भी इस विष्णु पंचक व्रत को किया, जिसके प्रताप से, और जब उनका समय आया मृत्यु का, मृत्यु के बाद वह जो है श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर भगवान का रूप धारण करके वह जन्म मृत्यु से रहित श्री हरि के लोक में चला जाता है। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रती को पंचगव्य से 5 दिन तक प्राशन करने का नियम है। पंचगव्य में आता है दूध, दही, घृत और गोमूत्र और गोबर, एक क्रम से जो है इसको मिक्स करके मात्रा में इससे प्राशन करना चाहिए, अपने जो है गात्र के शरीर से होने वाले पापों की शुद्धि के लिए इसको किया जाता है। पंचगव्य से प्राशन करें, भगवान का अर्चन करें, श्री हरि की पूजा करें और सबके प्रति अच्छा भाव रखें। तो इस प्रकार जो है इसी को विष्णु पंचक व्रत कहते हैं। और इसी को, और ये जो इसके बारे में सुनता है, लिखा है यह इदम शुणियाद भक्त्या चाख्यानम पापनाशनम कोटि जन्मार्जितम पापम तस्य नश्यति तत्क्षणात्। जो इस प्रसंग को सुनते हैं श्रद्धा से उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं।